इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक नाबालिग द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर के खिलाफ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उसमें गोयल करके आरोपी है, जो अभी फरार चल रहा है, उसका जो मुख्य आरोपी था वो पकड़ लिया गया था, लेकिन उसका सहयोगी जिसने बाद में घटना की थी ये फरार चल रहा है। इसके संभावित ठिकानों पे पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसके विरुद्ध 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। आरोपी कौन सा, इंजीनियर ही क्या है? हाँ, ये इंजीनियर है और शासकीय कर्मचारी, इसको बताया जा रहा है। बाकी इसके जो घर में है वर्तमान में ताला बंद है और परिवार भी इसका घर छोड़ के जा चुका है। इसकी रिश्तेदारी, नातेदारी, मूल निवास इत्यादि जो जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और तलाश किया जा रहा है। आपके ओर तो कोई लेटर लिखा गया हो विभाग को, इनकी इसके विभाग को भी कोई हटाने को लेकर? निश्चय ही इस संबंध में भी अपनी प्रक्रिया रहती है। कोई भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध अगर FIR दर्ज होती है और फरार होता है तो विभाग के द्वारा कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाती है, उसके लिए भी पत्र वहाँ लिखा जा रहा है। अधिकारी है सर, कोई इनाम घोषित किया गया हो इस पे? 5,000 का इनाम घोषित किया जा रहा है इसमें, ताकि उसको पकड़ा जा सके। सर, जांच में क्या सामने आया, क्योंकि एक आरोपी गिरफ्तार है, उसमें पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ सामने आया? इसमें जैसा बालिका ने अपना बताया था विवरण, उस हिसाब से इसमें FIR हुई थी और उसके बयानों में भी वही चीज़ आई है। चूँकि पीड़िता नाबालिग है और इसलिए इसमें और भी मामला गंभीर हो जाता है, गंभीर धाराएं इसमें लगती हैं और जो पीड़ित कहेगी उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। रही बात सामने वाले की, अपने बचाव में कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन चूँकि पीड़िता नाबालिग है और ये अत्यंत ही गंभीर मामला है, तो इसलिए इसमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। महंगी कारों में हाई सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाने के बावजूद शातिर चोर इन कारों को आसानी से चोरी करने की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इंदौर शहर के एक उद्योगपति ने हाल ही में एक ली टॉप वेरियंट हाई सिक्योरिटी कार को शातिर चोर लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। इंदौर के लसूरिया थाना क्षेत्र स्थित इसके नंबर 114 में गुरुवार को दिन दहाड़े दो चैन लूट की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस को मौके से CCTV फुटेज भी हाथ लगे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस CCTV बरामद कर आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं DCP संपत उपाध्याय द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की गई है। चेन छीनने की घटना स्कीम नंबर 114 में दो हुई हैं, जिसमें इनाम 5,000 का घोषित किया गया है। इसमें घटना के संबंध में भी जो आरोपी थे उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनकी फुटेज वगैरह और जानकारी अपने को निकली है, जिसको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं और ढूंढवा के इनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, इसके ट्रेल के संबंध में भी हमारी जाँच चल रही है और आशा है कि हम जल्द ही इसमें आरोपियों को पकड़ने में सफल होंगे। इंदौर पुलिस मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए पालदा स्थित हिंग कारखाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए नकली हिंग बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने यहां से 4 क्विंटल से अधिक हिंग बरामद की है, जो कि आटे से निर्मित की जा रही थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने खाद्य विभाग को भी इसकी जानकारी दी है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा पालदा क्षेत्र में थाना भवरपुर अंतर्गत एक माँ दुर्गा एंटरप्राइजेस करके एक इनकी फैक्ट्री पर जो है कार्रवाई की गई है। इसमें जो है आटे से हींग बनाने का और अमानक हींग बनाने का वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, तो उसमें जो है खाद्य विभाग से हमने संपर्क करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस फर्म पे पहले भी 2 साल पहले लगभग इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, तो इनके द्वारा ये रिपीट ऑफेंस किया गया है, तो इन पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने आरोपी पकड़े हैं इसमें? इसमें अभी फिलहाल एक ही आरोपी हैं और इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। सर, कितने वर्षों से संचालित कर रहा था फैक्ट्री? ये काफ़ी समय से संचालित है, पूर्व से भी इस पर कार्रवाई हुई थी लगभग 2 साल पहले। कितने ये है? करीब 2-4 क्विंटल इसमें अभी बनाने की प्रक्रिया में मिली है और काफी रॉ मटेरियल मिला। सर, क्या कीमत रखती होगी? सर, क्या कीमत रखती होगी हिंग? सर, ये हिंग जो थी कहाँ सप्लाई करते थे खास तौर से? ये पूरे इधर पूरे अंचल में इसका सप्लाई करते थे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड स्थित झाड़ियों में एक संदिग्ध युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि मृतक की पहचान संजीव कुमार जायसवाल निवासी रीवा के रूप में हुई है, जो इंदौर में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जरा बताएं कौन है जो? ये मेरा भांजा है, रहने वाला रीवा का है और यहाँ बॉडी लाए हैं कंपनी वाले। एक एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पताल की आई थी लेके,
हम लोगों को फोन लगाया कि जल्दी आ जाओ, उसको कुछ हो गया। हम लोग आए, देखे तो वो मृत हो चुका थी। उसकी सूचना उसके साथ वाले जो आए थे फैक्ट्री से लेके, उन लोगों ने फोन लगाया उसके मोबाइल से, उसने मोबाइल में ढूंढा होगा, उनने मामा ये वो, तो उन्होंने लगाया सबको, उन्होंने बताया। उनका नाम नाम नहीं पूछा मैंने, हाँ हाँ नाम राहुल नाम है, क्या नाम है, और फैक्ट्री के सारे कर्मचारी थे 2-5, तो उनने बताया था। हम लोगों ने फिर अंदर ले गए, अंदर जब चेकअप हुआ मृत्यु घोषित कर दिए, आप लोग यहाँ डाल दिया। इसके बाद अपने को कुछ जानकारी नहीं है। क्या अंधेरा लग रहा है? अंधेरा लग रहा है, अपने को दोनों शंका है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। किसी के चोट के निशान है कुछ? उसके मुंह में लगी हुई मुंह नाक से ब्लड आ रहा है। अच्छा। हाँ, मुंह नाक से ब्लड आया है, और यहाँ थोड़े से अंगूठे के निशान टाइप के लग रहे हैं, और नीचे पैर में चोट है। क्या नाम? जब वो आदमी फैक्ट्री से निकलता है तो थैला और चप्पल होता है, उसका थैला चप्पल नहीं थे। हाँ, उसके मोबाइल और उसके पर्स मिले हैं। अच्छा, क्या नाम था? नाम क्या था उसका? अरे, आपके भांजे का नाम क्या था? संजीव कुमार, संजीव नाम है उसका, स्कूल का नाम संजीव कुमार जायसवाल, पिता नंद कुमार। कितनी उम्र थी? 29। क्या काम करता था ये? दवा की फैक्ट्री में। कुछ शादी शुदा है? कुछ शादी अभी 1.5 महीना पहले हुई है। अच्छा जी, आपका नाम?